तो भाई लोग, आज का ये सिक्स मैन एलिमिनेशन मैच काफी ज्यादा यूनिक होने वाला है। अब ये यूनिक किस तरीके से, ये आपको अमन एक्सप्लेन करेगा। करो भाई, ये छह बंदे अपने अपने टाइम में चैंपियंस रह चुके हैं, जिनके पास अपनी ही एक अलग तरीके की बेल्ट होती थी। तो आज की इस मैच में हम लोग देखेंगे कि ये इन छह अलग अलग बेल्ट के मालिकों में से कौन है वो सुपरस्टार जो कि है रियल अनडिस्प्यूटेड यूनिक चैंपियन। तो भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मॉडर्न एरा के जो यूनिक चैंपियन अभी नए नवेले बने हैं, सेथ फ्रीकिंग रोलिंग्स, वो भी इस मैच में। तो देखते हैं कि इस मैच में कौन जीतता है। बट इस टफ द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के एक तरीके से आई, जो पुराना वाला वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन था, येलो बेल्ट, द क्लासिक येलो बेल्ट, उसके ऑलमोस्ट आधे ज्यादा टाइम तो बटिस्टा ही मालिक थे। तो भाई देखते हैं किसका किसका मैच हो रहा है। भाई रोमन रेंस से स्पीयर लगा दो, स्पीयर भाई यार, डबल स्पीयर लगा है भाई साहब। ये तो बन गया मोमेंट, मोमेंट ऑफ दिस मैच टू किक आउट। डबल स्पीयर ओएमजी मोमेंट, पहली मैच में ओएमजी मोमेंट देखने को मिल चुका है। और ब्रॉक लेस्टर को क्रम स्टॉर्म लगाने के फुल चक्कर में, लेकिन एज ने लगाने नहीं दिया। भाई यहाँ पर रोमन को जीतने मत देना, जॉन सीना मेरे भाई तेरे को जीत के जाना है, स्पिनर बेल्ट के मालिक हो तुम, उस टाइम मालिक थे। मतलब एनर्जी खत्म हो चुकी है बटिस्टा की, ब्रॉक की, जॉन सीना। और बात करें अगर रेटेड आर सुपरस्टार एज की, तो जॉन सीना के स्पिनर बेल्ट छीन करके बेचारे ने रेटेड आर बना लिया था। सेथ रॉलिंस को लग चुका है, लेकिन सेथ ने बचा लिया है। अब दो क्रम स्टॉर्म है सेथ रॉलिंस के बाद, जिसको मिल गया भाई न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो कि अभी ताजा मार्केट में नया बेल्ट आया था, उसको जीत लिया रॉलिंस ने। और लगता है कि यूनिक चैंपियनशिप भी वही जीते लग रहा है मेरे। तो देखना पड़ेगा कि सिक्स मैन टैग टीम मैच में कौन जीतता है। मैच नहीं, सॉरी सिक्स मैन नॉर्मल मैच में कौन जीतता है। आजकल पेडिग्री का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगा सेथ रॉलिंस, तो पेडिग्री भी दे सकता है किसी को। बेचारा क्रम स्टॉर्म नहीं दे पा रहा है सेथ रॉलिंस। ब्रॉक लेस्टर और एज की जंग अलग, जब थोड़ा भीड़ भाड़ रहती है ना, तो सिर्फ फ्रीकिंग रॉलिंस के लिए पेडिग्री नहीं सॉरी क्रम स्टॉर्म देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक कोई भी एलिमिनेट, जॉन सीना का टारगेट गया रोमन रेंस के ऊपर, ब्रॉक लेस्टर इंटरप्ट करना चाह रहा था पर इंटरप्ट नहीं कर पाया। जॉन सीना था स्पिनर बेल्ट, भाई तेरे को घुमा देना है सबको। जॉन सीना बच के रहो भाई, रोमन रेंस के कहर से तुम बच नहीं पाओगे। रोमू, रोमू के पास क्या है? रोमू के पास कुछ नहीं है, एक फिनिशर था जो रोमन ने यूज कर लिया। अभी तक की गॉल्स की एनर्जी देख एक बार, भाई देख क्रम स्टॉर्म, नो स्टार फॉर क्रम भाई, कहां किधर से देखना, उतनी दूर से देख भाई, तो रिंग वाला तो नहीं था वो। 1-2 किक आउट। सेथ रॉलिंस ने अभी तक एक भी फिनिशर नहीं दिया है। सबसे ज्यादा खतरनाक यहां पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हो रहे हैं। दो फिनिशर एक सिग्नेचर, कभी भी किसी को भी टाटा बाय बाय बोलने पे मजबूर कर सकते हैं। हेल्थ ब्रॉक लेसनर की हेल्थ, अरे भाई द WWE चैंपियन उस टाइम के द रॉक को हरा करके बने थे ब्रॉक लेसनर, इनकी हेल्थ इतनी डाउन कैसे हो गई भाई। सेथ रॉलिंस, सेथ रॉलिंस को गुस्सा आ गया ना भाई, किसी को भी एलिमिनेट कर सकता है। दो क्रम स्टॉर्म है सेथ रॉलिंस के पास, दे दे भाई किसी को तो दे दे। सुपर किक टू बटिस्टा, नो इट्स टाइम फॉर बर्न। अरे नहीं दिया, नहीं दिया सेथ रॉलिंस का, मैं चाह रहा था कि दे दे। जॉन सीना के पास कितना फिनिशर है, सिग्नेचर छीन लिया जॉन सीना का, किसने छीना? आई थिंक ब्रॉक। अभी तक नो एलिमिनेशन भाई लोग, तो पहला क्रम स्टॉर्म मार्केट में पढ़ने जा रहा था लेकिन नहीं पढ़ा। रोमन रेंस के बाद भी सिग्नेचर आ चुका है, और रोमन रेंस का टारगेट है हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट वाले जॉन सीना। बटिस्टा वर्सेस रोमन रेंस एक बार पहले भी स्मैकडाउन में हो चुका है भाई लोग, तब उस टाइम पे एवोल्यूशन वर्सेस शील्ड चल रहा था, उसी चक्कर में हुआ। और उस मैच में भी बटिस्टा ने जीत गया था, लगता है सुपरमैन पंच, नो टाइम फॉर सुपरमैन पंच, नहीं पड़ा। सेथ रॉलिंस ने अपना टारगेट शील्ड का नाम सुनकर सेथ रॉलिंस को याद आ गया कि अरे रोमन रेंस भी मैच में, उनको याद आ गया पर कोई नहीं भाई, सेट रॉलिंस को एकदम सेट करके दिया है भाई, रोमन रेंस को एकदम सेट करके। अरे F5 बचा लिया बटिस्टा ने, बच गया बच गया बच गया, तो क्या ये बटिस्टा अब नहीं मिला सुपर एक हार उड़ के कौन मार रहा है भाई एच को भाई, क्रॉस लगता है रेटेड आर बेल्ट पहले ही जाने वाली है, रेटेड आर बेल्ट के साथ कांड हो गया। 1-2 किक आउट कर दिया है, और रेजिलेंस भी है। जॉन सीना को सबमिशन लेकर के, बोस्टन क्रैब सबमिशन लेकर के बैठ गए उधर रोमन रेंस, अब इनको यहां भी जीतना है यूनिक चैंपियनशिप भी। लड़कियों को बिल्ड भी दे दे, फिनिशर भी आ चुका है, किसी को भी भीड़ में क्रम स्टंप बच गया इस बार, पड़ता नहीं चला नहीं, रेजिलेंस है सभी के पास, रेजिलेंस आई थिंक, हां सभी के पास रेजिलेंस है भाई। ये जीत बचा चुका है रेडी आर सुपरस्टार, लगता है जॉन सीना का नंबर है, ब्रॉक लेसनर का नंबर है,
और स्पीयर के चक्कर में रोड को सुपरमैन पंच लगा दिया, पर पिन करवाने नहीं दिया, एज ने पिन करवाने नहीं दिया। ग्रैब स्टॉम्प दे रहा है सेथ रॉलिंस जब ब्रॉक लेसनर को, अरे पर जॉन सीना ब्रॉक लेसनर की तरफ से खेल रहा है, मैं तुमको बताऊं टीम खतरू अपना यहां पर भी बना के रखा है जॉन सीना ने अभी तक। अच्छा ब्रॉक लेसनर सेफ है, फिनिशर खा के भी सेफ है, ब्रॉक लेसनर को कोई टच नहीं कर रहा, सिग्नेचर का हां कोई टच नहीं कर रहा है, नहीं अभी सेथ रॉलिंस ने टच कर दिया है और अब ब्रॉक लेसनर टच भी कर दिया भाई साहब, कांड 2 किक आउट नहीं बच गया, बच कैसे बच, फिर से बच ग्लिच से बच गया भाई, सेट नहीं ग्लिच नहीं भाई इंटरप्ट हो गया, सेट ऑन इसका फिनिशर ही ऐसा है ना कि अगर थोड़ा सा भी कोई इंटरप्ट, जॉन सीना का पिन 1 2 रेजिलेंस क्या किसी का भी रेजिलेंस नहीं किया भाई, ये मैच काफी लंबा चलने वाला है, यूनिक चैंपियनशिप का सवाल है। रोमर है इसका गिलिटिन बचा चुका है बटिस्टा, लो इसका और भाई साहब लगता है यूनिवर्सल टाइटल पहले ही जाने वाला है, मैं सच्ची बता रहा हूं। 1 2 टेक क्या रेजिलेंस यूज किया नहीं, अरे रोमन ने भी रेजिलेंस यूज नहीं किया, काम करना होगा तुमको, अरे जोशीना ने बड़ी प्रोग्रेसर ने पिन ही नहीं करवाया, रेजिलेंस भी नहीं किया रोमन का, बटिस्टा तेरे बटिस्टा बम में पावर नहीं लग रहा है मेरे को, प्लीज देख करके तुम्हारा पुरानी वाली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेट हो चुकी है, डबल F5 टू रोमन, ओ माय गॉड, रोमन बच जाएगा, रोमन बच जाएगा, रेजिलेंस से रोमन बच जाएगा अगर पिन हुआ तो, ब्रॉक लेसनर इज योर फायर, 1 2 kick out, 1 2 kick out, और I think के रोमन, I think नहीं रोमन ने इसका रेजिलेंस जा चुका है, पर सेथ फ्रीकी वॉलिस करेंगे बचा हुआ, अभी तक एज की एनर्जी बहुत कम है, 1 ब्रॉक लेसनर को कुछ ज्यादा ही जोश नहीं आ गया पुराने वाले WWE चैंपियन को, इसको सेथ रॉलिंस ही संभालेगा मुझे लग रहा है, इसको क्रम स्टॉर्म सेथ रॉलिंस ही, दो फिनिशर सेथ रॉलिंस चाहे तो एक बंदे को एलिमिनेट कर सकता है, दो बंदे को, रोमन ने स्पीयर दे दिया जॉन सीना को, I think जॉन सीना का भी रेजिलेंस खतरे में, 1 आई थिंक नहीं खतरे में ही अब गया, दो बंदों के पास रेजिलेंस नहीं है, जॉन सीना यानी कि रोमन गया, यूनिवर्सल टाइटल गया, 1 किक आउट नहीं तो गया, 3 भाई यूनिवर्सल टाइटल भी यूनिक चैंपियनशिप के मैच से बाहर हो चुकी है, और एज आई थिंक के सिग्नेचर सिग्नेचर न्यू वर्ल्ड चैंपियन को भी बाहर करने के चक्कर में एज स्टार्टर पिन करवाया, सेथ रॉलिंस जीत गया, सेथ रॉलिंस को आजकल कुछ F5 सिग्नेचर 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 लगा है, स्पीयर दे दिया, बचा लिया जॉन द स्पीयर पे, बचा लिया गया सेथ रॉलिंस, नहीं रेजिलेंस है, रेजिलेंस है, 1 2 अब सिर्फ रेजिलेंस है भाई, जॉन सीना को हेल्प कर सकता है, अरे भाई जॉन सीना ने ये दे दिया स्पिनर बेल्ट, बचा लिया ब्रॉक लेसनर के पास भी अब फिनिशर है, और गौर करने की बात ये है कि ब्रॉक लेसनर और एज के पास रेजिलेंस भी है अभी तक, सेथ रॉलिंस टारगेट कर जॉन सीना को एलिमिनेट कर सकता है, 2 द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रेटेड आर चैंपियनशिप स्पिनर बेल्ट और पुरानी वाली WWE चैंपियनशिप बाकी है, 2 ब्रॉक ने रेजिलेंस अपना फ्री मूव्स में खत्म कर दिया, ओ माय गॉड ये तो गलत खेले, और वैसे रोमन जा रहे हैं टाटा, रोमन क्या क्यों चल रही है, अब तो मुझे सेथ रॉलिंस को सपोर्ट करना पड़ेगा, पिन करवा लिया जज ने, 1 2 न्यू चैंपियनशिप कहीं, अब और तीनों अब क्लासिक चैंपियनशिप बेल्ट बाकी है, नया नया बेल्ट मैच से आउट हो चुका है भाई साहब, एज ने दो एलिमिनेशन किए, जॉन सीना का स्पिनर बेल्ट वाले जीत जा मेरे भाई, स्पिनर बेल्ट द क्लासिक बेल्ट है अभी तक की WWE की सबसे इंटरेस्टिंग बेल्ट है, बटिस्टा को किसने एलिमिनेट किया, जीतना है भाई तेरे को, ब्रॉक ने ना, आई थिंक एज ने दोनों भाइयों को सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दोनों को एलिमिनेट किया है, जो से देख साइड में रहेगा ना बचा रहेगा, कसम से बता रहा हूं मैं, एज के पास फिनिशर है, इट्स टाइम फॉर स्पियर, कम ऑन ब्रॉक लेसनर, अगर स्पियर लग गया तो ब्रॉक गया, मैच कहां से गया, जॉन सीना बाकी है यार, 1 2 3 इट्स थ्री एलिमिनेशन वर्सेस द रेटेड आर चैंपियनशिप, दोनों ही WWE चैंपियनशिप से पर अलग अलग वेरिएंट की, तो जॉन सीना वन मोर टाइम भाई, जॉन सीना देख स्पिनर बेल्ट सबसे अच्छी बेल्ट है, जो बात है वो क्लियर है, लगा दिया फिनिशर, बचा सकता है एज, कम ऑन रेजिलेंस से एज की एनर्जी, बचाना मत यार प्लीज, नहीं बचाया एज की एनर्जी, रेजिलेंस यूज मत करना, नो एज नो भाई, दोनों एकदम सेम आ जाओ, 1 2
फिनिशर आ गया और एज के पास कुछ भी नहीं है, नथिंग। रेजिलेंस क्यों आ गया एज के पास यार, ये तो गलत सीन है। एज ये मैच में अपना एरा साबित कर सकता है। अच्छा, जो नया बेल्ट बनाया था एज रेटेड आर वाला, जॉनसन ने जीतने के बाद ही बनाया। हाँ वही तो, फिनिशर लगा जॉन सीना, फिनिशर बचा ले एज। पर ये डबल रिवर्सल है, छी भाई, बचा ले एज। कम ऑन, नो, यू कैन सी मी, तुझे लीता की कसम है, लीता की। बचा ले भाई, घर पे बीवी भी तो है, लीता की कसम कैसे मानेगा ये। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पिन करवाओ। वन, रेजिलेंस है। टू, अरे यार रेजिलेंस, लास्ट टाइम में एज बहुत बच गया। अब जो स्पिनर बेल्ट का फ्यूचर खतरे में, मैं बता रहा हूँ कसम से, स्पिनर बेल्ट का फ्यूचर बहुत खतरे में। एज यार कब तक मार खाओगे यार, जो सीना ऐसे पिन करवा ले। बचा लिया एज ने, फाइनली एज ने भी रेटेड आर बेल्ट लगता है कि जीत के जा रही। मैं सच्ची में टोकना चालू कर दूंगा, रेटेड आर बेल्ट जीत के जा रही। करवाओ जॉन सीना का, एज के बाद भी फिनिशर कभी भी आने वाला है, रेडी रहना एक स्पीयर के लिए। आई थिंक स्पीयर इज कमिंग। नहीं, अपने को नहीं चाहिए स्पीयर, शॉप शूटर। नहीं नहीं, स्पीयर अगर बचा लिया ना जॉन सीना, स्पिनर बेल्ट जीत जाएगी। स्पीयर बचाना है जॉन सीना। अरे क्या कर रहा है, बचा लिया। यस, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मूव्स तो बचाया ना, मार खाने से बेटर ही है। एज बचा ले, एज एक स्पीयर और मैच खत्म कर सकता है। आ गया जॉन सीना के पास, सिग्नेचर आ गया, मिडिल ऑफ द रिंग एसटीएफ लगा देना, लंगी ओपी, एक एक स्पीयर और मैच खत्म हो सकता है। अरे यू कैन सी मी के चक्कर में मत रहे भाई, जॉन सीना पीटेगा। बचा ले एज, कम ऑन एज, कम ऑन रेटेड आर सुपरस्टार। देख भाई, जो सच्चाई है वो यही है कि स्पिनर बेल्ट सबसे अच्छी थी दिखने में। फिनिशर भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, बिल्कुल। कम ऑन एज, वन टू थ्री, भाई साहब जीत गया जॉन सीना। स्पिनर बेल्ट इज द मोस्ट यूनिक चैंपियनशिप इन द हिस्ट्री। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। भाई साहब जीत गया भाई, जो बात थी क्लियर थी भाई, यही थी। और हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, अगली वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखो और टाटा, गुड बाय एंड डोंट ट्राई दिस। और अपनी मम्मी के दुपट्टे से अपनी चैंपियनशिप बनाने की कोशिश मत करो। गुड बाय, टाटा, सी यू।